मेरा नाम सरला रानी कौशिक है और मैं 71 साल की हूँ और मेरे बहुत पुरानी मायस्थेनिया ग्रेव्स की पेशेंट हूँ। 93 से मेरे मायस्थेनिया ग्रेव्स है और मुझे 1.5 साल पहले मुझे पता चला कि मेरी पथरी है गॉल ब्लैडर में, तो मैंने मणिपाल हॉस्पिटल में दिखाया तो उन्होंने कहा कि भाई इसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा पर काफ़ी जटिल प्रक्रिया रहेगी। तो हम थोड़ा सा इंतजार करने लगे, अपने परिवार से सलाह करने लगे कि इसके लिए कॉम्प्लिकेशंस होंगे, तो परिवार वालों की सलाह से सबसे जब हमको लगा कि अब ये ऑपरेशन करा लेना चाहिए तो हमने मणिपाल में कंसल्ट किया डॉक्टर साहब विपिन जैन सर से पहले। उन्होंने फिर हमें मनिका गुप्ता मैम के पास भेजा और उन्होंने हमें सलाह दी कि आप ये निकलवा लीजिए। तो परिवार वालों की सलाह से सबसे मैं इसमें एडमिट हो गई और मेरा बहुत सक्सेसफुली मेरा ऑपरेशन हो गया। जिस चीज़ का हमें डर था वो नहीं हुआ, बहुत सक्सेसफुली डॉक्टर्स ने बहुत एफर्ट्स के साथ बहुत अच्छे से मेरा ट्रीटमेंट किया। मैं बहुत खुश हूँ और प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मेरा बहुत ही अच्छे से इलाज किया। सभी डॉक्टर्स की सारे स्टाफ की मैं बहुत आभारी हूँ जिन्होंने मेरे इतना अच्छे से ट्रीटमेंट दिया और मेरा बहुत ही अच्छे से इलाज किया। सभी डॉक्टर्स और सभी नर्सिंग स्टाफ और सबके लिए मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने बहुत मेरा ध्यान रखा और मैं बहुत खुश हूँ। मैं बिल्कुल अपनी सेहत से बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं। नमस्ते, मैं डॉक्टर मोनिका गुप्ता, मैं पेट आंत व लिवर की सर्जन हूँ, एडवांस्ड लेप्रोस्कोपिक एज वेल एज GI कैंसर सर्जन हूँ। मैं मणिपाल हॉस्पिटल जयपुर में कार्यरत हूँ। मैं जयपुर में 15 साल से एज अ कंसल्टेंट सेवाएं दे रही हूँ। हमने हाल फिलहाल एक बहुत ही रेयर, बहुत ही अचंभित करने वाला केस किया जिसके बारे में मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, आपको बताना चाहती हूँ। वो केस 72 साल की एक लेडी का था जिनका नाम सरला देवी है। उनको गॉल ब्लैडर में पथरी तो थी ही सही, वो 1.5-2 साल से परेशान थी, दर्द के लिए वो मिलती थी, कभी कभी एडमिट भी होती थी। हमारे फिजिशियन डॉक्टर विपिन जैन से उन्होंने कंसल्ट किया और फिर वो हमारे पास आए कि हमें सर्जरी करानी। उनकी सर्जरी में एक ही समस्या थी कि वो एक मांसपेशियों की बीमारी से ग्रसित थी जिसको मायस्थीनिया ग्रेविस कहते हैं। सर्जिकली मायस्थीनिया ग्रेविस से कोई समस्या आती नहीं, लेकिन बेहोश करने पे ऐसे मरीजों को बेहोशी से उठाना बहुत मुश्किल होता है। ऐसा भी हो सकता है कि उनको वेंटिलेटर पे रखा चला जाए और ऐसा भी हो सकता है कि वो बेहोशी से उठ पाए, लेकिन ये सब पहले से ही हमें सोचना होता है। हमने उन्हें फिजिशियन से तो मिलाया ही, साथ में हमारे न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर श्रवण कुमार से कंसल्ट किया कि क्या हम इस केस को कर सकते हैं, क्या हम बेहोशी दें तो इनको वेंटिलेटर पे रहने की कितने प्रतिशत समस्या आएगी, कितना हाई रिस्क केस है। मणिपाल हॉस्पिटल जयपुर ऐसे हाई रिस्क केसेस के लिए ही बना है और यहाँ पे हम एडवांस से एडवांस केसेस, चाहे वो सर्जिकली एडवांस हो, चाहे वो बेहोशी के पॉइंट ऑफ व्यू से एडवांस हो, या फिर जिनमें टीम मैनेजमेंट की जरूरत हो, सभी करते हैं। इसीलिए इनको हमने निराश नहीं किया और इनको बेहोशी वाले डॉक्टर साहब डॉक्टर सुनील सक्सेना जी से मिलवाया। सुनील सक्सेना जी शुरू से ही काफी कॉन्फिडेंट थे इनके केस को टैकल करने के लिए, उन्होंने हमें भी हिम्मत बनाई। हमने पेशेंट को समझाया कि हम करेंगे ये ऑपरेशन लेकिन हाई रिस्क रहेगा। पहली बार तो उन्होंने सर्जरी नहीं कराने का निर्णय लिया, लेकिन उसके बाद जब स्टोन उनका पित्त की नली में खिसक गया तो सिडेशन यानी नींद की दवाई में ERCP की गई जिसे डॉक्टर शंकर लाल ने किया, वो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है, काफी एफिशिएंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है और उन्होंने ERCP करके नली के स्टोन को हटाया। इसके बाद एक ही चीज बचती थी कि ऑपरेशन गॉलब्लैडर का किया जाए, क्योंकि अब पथरी अपना विकराल रूप ले रही थी, वो बार बार नली में उतर रही थी। सो मरीज के परिवारजन, जो कि कई परिवारजन डॉक्टर्स भी हैं, उन सब ने मिलके कंसल्ट किया, उन सब ने हिम्मत रखी और वापस वो हमारे पास आए कि हम इस ऑपरेशन को अब कराना चाहते हैं। हमने वापस एक टीम बनाई, एक मल्टी स्पेशलिटी टीम की तरह हमने आगे बढ़े। फिजिशियन डॉक्टर विपिन जैन, गेस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर शंकर लाल, एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर सुनील सक्सेना, न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर श्रवण और GI सर्जन डॉक्टर मोनिका, जो कि मैं, हमने मिलके एक टीम बनाई और इनके केस के बारे में हम आगे बढ़े।
बड़े सेंटर का यही फायदा है कि हमारे सेंटर पे हम एक टीम फॉर्म करके कॉम्प्लिकेटेड केस को मैनेज करते हैं। इनके केस में हमें बेहोशी की दवाई देने के बाद ऑपरेशन दौरान कठिन गॉल ब्लैडर में इनका केस था, बड़े बड़े स्टोन्स, थिक वॉल यानी मोटी दीवारें वाला गॉल ब्लैडर था, सिंपल केस नहीं था। ऑल्दो क्योंकि कठिन केस हम करते रहते हैं और इस तरह के केसेस करना हमारे लिए एक तरह के रूटीन काम है, तो इनके केस में हमें करीब करीब 30 से 40 मिनट ऑपरेशन दौरान लगा, बेहोश करने और बेहोशी से उठाने में भी कुछ समय लगा। ऐसे कुल मिलाकर 1.25 घंटे में ये ऑपरेशन संपन्न हुआ। मुद्दे की बात यह है कि बेहोशी की एक डोज का जो ड्यूरेशन होता है उसी में ऑपरेशन संपन्न किया और उसके बाद वो बेहोशी से आराम से उठ पाए। बेहोशी से उठने के बाद वेंटिलेटर से हटा दिया गया और वापस उन्हें कोई ऐसी समस्या, क्योंकि मांसपेशियां कमजोर थी तो बेहोशी से उठते जाएं रिवर्सल में काफी समस्या आ सकती थी, जिसको डॉक्टर सुनील सक्सेना जो एनेस्थीसिया हेड है उन्होंने बखूबी निभाया और बहुत ही सुंदर तरीके से उस केस का संपन्न किया गया। मरीज बहुत ही प्रसन्न है, हम भी काफी प्रसन्न है इस केस को करके।